बहुत लोग यार पागल होते हैं हैकिंग के पीछे, मतलब हैकिंग वर्ड सुनते ही भागे आते हैं। बहुत लोग को डाउट रहता है कि क्या मोबाइल हैकिंग पॉसिबल है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ पॉसिबल है, बट बस कुछ हद तक, क्योंकि अल्टीमेट हैकिंग या फिर अल्टीमेट काम के लिए आपको आपकी पीसी या फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, जो कि आपको आपकी पीसी यानी आपकी कंप्यूटर प्रोवाइड करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो कि हैकिंग से रिलेटेड होगी। इन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी तरीके का आपको फ़ोन को हैक रूट करने की ज़रूरत नहीं, ये सारी ऐप्स फ्री हैं और ये ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध मिल जाएगी। तो यार ये जो ऐप है इसका नाम है क्रू कैचर एंटीथेफ्ट नाम से आपको बता रहे हैं कि की ऐप होगी। ये एक्चुअली करता है कि जब भी कोई आपके घर का कोई या फिर आपका बाहर का कोई आपका फोन चेक करना चाहता है, आपके पर्सनल डिटेल्स को फैच करना चाहता है, तो जब भी ये उसको तो पता नहीं हो कि आपका आपने किस कौन से पासवर्ड डाले, कौन से पिन डाले अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करने टाइम पासवर्ड क्या है आपका मोबाइल का पिन का। तो अगर वो गलत फोटो, अगर वो गलत पिन डालता है तो एक फोटो क्लिक कर लेता है उस आदमी का फ्रंट कैमरे से आपके मोबाइल के, एंड वो आप पहले तो आपके मोबाइल में सेव होंगे, मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में स्टोर होंगे, उसके बाद ये सेंड करता है आप ईमेल वाइज आपको ऑनलाइन। और ये रही क्रू कैचर, इसको हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको कुछ परमिशंस देने पड़ेंगे, बट कॉन्टैक्ट्स वाले जो परमिशन होंगे वो आप ना दे तो सही रहेगा, और मैं तो लोकेशन वाला भी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि लोकेशन के बिना ये काम करेगी है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगती ये काम करने वाली। अलर्ट ईमेल, हाँ ईमेल पे आपको सेंड करेगा तो ईमेल का परमिशन देना पड़ेगा आपको। कॉन्टैक्ट वाले मैं आपको बोलूँ कि आप मत ही दो तो सही है, कॉन्टैक्ट वाले मैं आपको देना रिकमेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या पता कॉन्टैक्ट्स अपलोड भी होते तो कॉन्टैक्ट वाले आप देंगे तो बाकी सब कुछ सही से चलेगा। देखिए इसको चाहिए होता है सिर्फ पिक्चर्स के लिए, पिक्चर आपको लेना पड़ता है, कैमरा का परमिशन चाहिए, लोकेशन चाहिए, सोए चाहिए, तो ये तो हो नहीं रहा यार। एक बार और मैं चेक करता हूँ, खैर अगर आपके होते नहीं तो डायरेक्ट आप चल जाइए सेटिंग्स में, वहाँ जाकर इंस्टॉल ऐप पर क्लिक कीजिए, जहाँ भी आपके इंस्टॉल्ड वहाँ जाइए, ऐप परमिशन मिल जाइए, परमिशन से जाने के बाद आपको सारे वहाँ पे सारे परमिशन मिले आपको टिक कर दीजिए, और एज यूजुअल आके फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए तो डायरेक्टली ले लेगा कैमरा और स्टोरेज। लोकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, बट तो लोकेशन के बिना ये काम नहीं करेगा, तो मैं आपको दोबारा लोकेशन देना पड़ेगा, लोकेशन परमिशन देनी पड़ेगी इसके लिए। पता नहीं कि लोकेशन क्यों मांग रहा है इस ऐप से, यूज़ करने के लिए लोकेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे पता नहीं। ये कैचर आप जो भी फोटो जो भी यूज़ करेंगे वो यहाँ पे ये मेन विंडो था वहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ये रही इसकी इंटरनल सारी चीज, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी सारी की सारी फोटोज। तो यार अगला ऐप और मेरा फेवरेट ऐप और बॉट प्रॉक्सी टॉर, ये एक ब्राउजर है जो कि आपको हाइड करके रखता है, यानी कि आपका जो आईपी एड्रेस है, आपका जो वीपीएन है, दोनों को चेंज करता है, आईपी हाइड करता है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में। खैर पहले इसका मैं इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो खैर आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे, जैसे कि मैंने बाकी सबके लिए भी कहा है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो हो गई मेरी डाउनलोड यहाँ पे हो चुकी है, और ये हेलो ब्राउज़र ऑल, सब चूज ऐप करना पड़ेगा आपको कौन कौन से ऐप में आप वीपीएन मोड डालना चाहते हैं वो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐप की लिस्ट आप देख सकते हैं, किसी को भी आप जिसमें भी चाहते हैं कि आपका वीपीएन अप्लाइड हो उसका क्या क्लिक कर दीजिए, और फिर बैक आके फिर आपका डायरेक्ट चालू करना पड़ेगा आपको ब्राउजर। खैर मैं फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले मैं दिखा रहा हूँ करके किसी भी एक पे क्लिक करके। खैर मैं पहले MIUI जो ब्राउजर है उस पर क्लिक करके मैं बैक आके डायरेक्ट कुछ चालू करता हूँ। परमिशन देने पड़ेंगे आपको, कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है, मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, और ये रही और डन। ये रही आपकी ब्राउजर की जो स्टार्टिंग पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल ऑटो लिखा है, वीपीएन मोड लिखा है। ग्लोबल ऑटो के अंदर आप जब घुसेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे नेम्स मिलेंगे कंट्रीज के जिसके भी आपको वीपीएन मोड डालने हैं। तो ये रही सारी कंट्रीज के नेम, जहाँ भी आप वीपीएन डालना चाहते हैं यहाँ पे, और वीपीएन मोड ऑन कर देंगे तो ये वीपीएन मोड निकल जाएगा। फिलहाल ये ऑटो पे तो मैं कहीं का भी क्लिक करूँगा तो मुझे वीपीएन मिल जाएगी कनेक्टेड।
और इसके बाद जो ऐप है इसका नाम है सोलो वीपीएन। ये बहुत ही अच्छी ऐप है एंड ये फास्ट है, सिक्योर्ड है और फ्री भी है, एंड ये कहीं के भी लोकेशन आपको दे सकती है लाके। खैर फिलहाल मैं इसका पहले इंफॉर्मेशन चेक करूंगा कि क्या क्या है इसके अंदर, और फिर देखेंगे कि नीचे कौन कौन से इसके पिक्स किए हुए हैं। चेक करते इसके पिक्स, ये रहे वन टैप कनेक्ट यूज टू एनी लोकेशन, ये कहीं का भी आपको वीपीएन ला के दे सकती है। तो ब्राउजर के लिए तो वही था जिसके पहले मैंने दिखाया, लेकिन वीपीएन आपको सिर्फ और सिर्फ अगर वीपीएन चेंज करने के लिए, तो इसके लिए ये ऐप बेस्ट है, सोलो वीपीएन वन टैप फ्री प्रॉक्सी। तो अंदर जाइए इसके अंदर, इसका यूआई जो है यार, यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें यूज कर सकते, जस्ट कनेक्ट किया, कनेक्ट दबाना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल ये ऑटो मोड पे आपको कनेक्शन देना पड़ेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे, परमिशन देना पड़ेगा यहाँ पे। फिलहाल ये ऑटो मोड पे आप कहीं का भी इसको लोकेशन बाद में आप चेंज कर सकते हैं इसको, लोकेशन पहले मैं इसको अपना, इसको आप यूज़ करें तो सबसे पहले अपना अपना लोकेशन ऑफ होना चाहिए, फिर मैं इसको कहीं का भी जैसे जापान का अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, आप दिखाता हूँ आपको कैसे कनेक्ट होता है। जस्ट आप क्लिक करना है और ऊपर जापान वहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑटो को रिमूव करके, और आपको टास्क बार में आपको दिख जाएंगे। बस कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहीं पे फिर रेड हो जाएगा, डिस्कनेक्ट वाला बटन आएगा, बस कनेक्ट हो चुका, बस यूज करो, एंजॉय करो, जो करने करो काम आपका, डिस्कनेक्ट वाले बटन आ गए, बस वही भी काम करना है। यार आपको अगर पेड ऐप फ्री में चाहिए तो इससे अच्छी ऐप आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मैं सच बता रहा हूँ। ये बहुत ही छोटी ऐप है, आपका एकदम स्पेस नहीं खाएगी मोबाइल पे, और सबसे बेस्ट ये, खैर ये हैक करके कोई भी ऐप्स को फ्री नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जो कि आपको सेल देते हैं ऐप्स पे, तो वहीं सेल्स को ये एक साथ ला के खड़ा कर देता है कि हाँ भाई ये ऐप्स ये है, ये ऐप्स ये है, और इन सब में सेल्स है इतने सारे के, तो ये सारे के सारे सेल्स को एक साथ डालकर एक लिस्ट बना के आपको दे देता है। तो मैं खैर इसको खोल के दिखाऊंगा, ये बहुत मेरी फेवरेट है यार, ये मेरी फेवरेट से बता रहा हूँ। तो ये रे मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, पेड ऐप्स गॉन फ्री इसका नाम है, और इसको ओपन करता हूँ, ये बहुत सही ऐप है। ओके यहाँ पे करता हूँ, और वो देखिए सबसे पहली लिस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल, कोई काम नहीं किया गया यूजर इंटरफेस में, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल क्लीन। और ये रही ये रहा, जैसा मैंने कहा ये लिस्ट बना के ला देती है, जितनी सारी की सारी जितने फ्री में चल रही है वो सब बहुत ही हाई रेटेड ऐप्स भी आपको फ्री में चल रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपका यूजफुल रहता है बहुत, लेकिन क्या यही है लिस्ट।